नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल्स और एनसीईआरटी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हम लेकर हाजिर हैं अपना अगला सत्र जो कि है संस्कृत भाषा का और कक्षा है 9वीं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण के बारे में, यानी कि जो पाठ का नाम है वो है पर्यावरणम। और इसको आपको पढ़ाने के लिए और समझाने के लिए जो हमारे गेस्ट हैं वो इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा जी। आप डेल एनसीईआरटी में ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वेद प्रकाश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और पर्यावरण एक ऐसा विषय है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हम सबके जीवन का एक अभिन्न अंग है। पर्यावरण में हम सांस लेते हैं, पर्यावरण में हम रहते हैं और पर्यावरण से हम बहुत कुछ लेते हैं, और हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ये हम सबको आज जानने के लिए ज़रूर मिलने वाला होगा, ऐसी मेरी आशा है। आइए आप सबके साथ आरंभ करते हैं आज के हमारे सत्र का जो कि है संस्कृत का। वेद प्रकाश जी आरंभ करें। जी बिल्कुल, अवश्य करना चाहिए। और पर्यावरण हम अभी पाठ जो पढ़ने वाले हैं, सामान्यतः पर्यावरण से हम ये समझते हैं कि हमारे आसपास जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश का एक मंडल होता है, एक जो क्षेत्र विस्तृत बना हुआ है, ये पर्यावरण के अंतर्गत आता है। सामान्यतः इसका अगर विश्लेषण करते हुए अर्थ देखें तो हमें ज्ञात होगा कि आवर्यते परितः अथवा परितः आवर्यते अनेन तत् पर्यावरणम्, अर्थात जो जो चारों तरफ से ढका हुआ हो, जिसके द्वारा एक घेरा बना हुआ हो, वो पर्यावरण के अंतर्गत होता है और इसे ही हम पर्यावरण कहते हैं, जिसमें मुख्यतः पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश का होता है। ये पांच तत्व ऐसे हैं जिनसे हम घिरे हुए होते हैं और इन्हीं तत्वों में हम अपने जीवन के संपूर्ण अंश को यापित करते हैं। अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो यह पर्यावरण दो प्रकार का होगा। हम केवल जो बाह्य दिखाई पड़ने वाला संसार है, सिर्फ इतने में सीमित अगर ना रहें, इससे भी ऊपर उठें, तो हमें पता चलेगा कि एक बाह्य भौतिक जगत के पर्यावरण के साथ साथ, जैसे हमारा बाह्य शरीर है, इसी तरह मानसिक पर्यावरण भी होता है। हम मानसिक विकारों से, मानसिक अलग अलग तथ्यों से, जैसे क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, प्रसन्नता, हानि, लाभ, सुख, दुख, इन सारी चीज़ों से घिरे हुए होते हैं, और वह भी एक आंतरिक पर्यावरण होता है। तो हमें दोनों ही शुद्ध पर्यावरण चाहिए। अगर इन पर्यावरण के जो तत्व हैं इनमें कहीं दोष आता है तो हमारा संसार सुखमय नहीं रह पाएगा, हमारा जीवन सुखमय नहीं रह पाएगा। अगर हम मानसिक रूप से दोषयुक्त तो हो जाएं, मानसिक रूप से प्रसन्न न रह पाएं, तो वह आंतरिक हमारा पर्यावरण दूषित होगा। और अगर वायु दूषित तो होती है, मिट्टी दूषित तो होती है, जल दूषित तो होता है, तो इससे बाह्य पर्यावरण संकट में आता है, बाह्य दोष उत्पन्न होते हैं जो कि हमारे शरीर को रोग देने वाले होते हैं या अनेक और भी हानिकारक तत्व उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो इस प्रकार से हम अगर देखें तो पर्यावरण शब्द व्यापक अर्थों को लेकर के व्यक्त होता है और अनेक अर्थों को कहने वाला ये शब्द है, और संपूर्ण जीवन से इसका संबंध होता है। इस पाठ में हम यही पढ़ेंगे कि पर्यावरण के लाभ या पर्यावरण का प्रभाव हमारे जीवन पर क्या होता है, किस प्रकार से हम अपने जीवन को, यदि पर्यावरण को शुद्ध रखें तो हम अपने जीवन को किस प्रकार से उन्नत कर सकते हैं। क्योंकि जैसे एक कोरा कागज़ होता है, उस कोरे कागज़ में हम जैसा चित्र बनाना चाहें, जिस प्रकार का लेखन करना चाहें, कर सकते हैं, लेकिन अगर वह दूषित है, कटा फटा है या उसमें पहले से कुछ इधर उधर लिखा हुआ है, तो फिर शायद हम मन मुताबिक नहीं बना पाएंगे। वैसे ही है, अगर हम शुद्ध वातावरण में रह रहे हैं तो हमारा मस्तिष्क शुद्ध होगा, हमारे विचार शुद्ध होंगे और हमारी जीवन शैली भी अच्छी होगी। तो हम इस पाठ को शुरू करते हैं और इस पाठ के माध्यम से हम ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार से पर्यावरण का जीवन पर प्रभाव होता है। ठीक है, हम स्क्रीन पर देखेंगे इस चीज़ को। प्रस्तुतोऽयं पाठः, अर्थात यह पाठ, यहाँ स्क्रीन पे हम देख रहे हैं प्रस्तुतोऽयं पाठ्यांशः, अर्थात यह पढ़ने वाला जो पाठ्यांश है, यह पाठ्यांश
पर्यावरणम अर्थात इसका नाम है पर्यावरण। पर्यावरण विषयक लघु निबंधोस्ति अर्थात यह पर्यावरण विषयक एक लघु निबंध है, छोटा लेख है। अत्याधुनिक जीवन शैल्याम हमारी जीवन शैली जो आधुनिक जीवन शैली हो गई है, खान पान परिवर्तित हो गया है, रहन सहन परिवर्तित हो गया है, हम मशीन पर आश्रित हो गए हैं, तो यह मशीनरी जो जीवन होता जा रहा है इस जीवन शैली में प्रदूषणम प्राणिनाम पुरतः अभिशाप रूपेण समायातम अर्थात इस मशीनरी जीवन शैली में प्रदूषण बहुत बड़ा अभिशाप बन के पुरतः अर्थात सामने समायातम यानी आ गया है। हम मशीन में जितना आश्रित होते जा रहे हैं वैसे उतना ही कारखानों पर आश्रित हो रहे हैं नई नई चीज़ों को बनाने के लिए, तो उसका प्रत्यवाय अर्थात उससे जनित जो प्रदूषण होता है वह हमारे लिए हानिकारक होता है। तो वह अभिशाप के रूप में है। वह अभिशाप किस चीज़ का है? तो मानव जीवन को संकट में डालने वाला वह एक शाप है। इस जीवन शैली का परिणाम क्या है? तो आगे लिखते हैं, नदी नाम वारि मलिनम संजातम। नदी का जो जल है मलिन हो गया है। दिल्ली में हम यमुना जी को देख सकते हैं, इसी तरह हर शहर के साथ में लगी हुई जो नदी है, सारे के सारे बड़े बड़े शहर या छोटे शहर या कस्बे किसी ना किसी नदी के किनारे बसे हैं, और पूरे शहर का जो मल है, कचरा है, वो नदी के जल में जाता है तो उस जल को दूषित करता है। तो नदी नाम वारि मलिनम संजातम हमारी आधुनिक जीवन शैली का परिणाम है कि नदी का जल दूषित हो गया है। शनैः शनैः धरा निर्वनम जायमाना अस्ति। धीरे धीरे पृथ्वी निर्वन होती जा रही अर्थात वन रहित हो रही है, वन इससे निर्गत हो रहे हैं, दूर हट रहे हैं। यंत्रेभ्यो निःसरित वायुना, जो कल कारखाने हैं, यंत्र हैं, उन यंत्रों के द्वारा निःसरित जो वायु है, जो धुआं निकल रहा है, उससे वातावरणम विषाक्तम, वातावरण हमारा विषाक्त हो रहा है अर्थात विषयुक्त हो रहा है, दूषित हो रहा है। रुजा कारकम च भवति, और रोग कारक हो रहा है। जब हम दूषित वायु ग्रहण करेंगे तो दूषित वायु सांस लेने का परिणाम होगा कि शरीर में रोग उत्पन्न होंगे। वृक्षाभावात अर्थात वृक्ष अभावात, वृक्षाणाम अभाव वृक्षाभाव, तस्मात वृक्षाभावात, वृक्षों के अभाव के कारण, और प्रदूषण कारणाच्च, प्रदूषण के बढ़ने के कारण बहूनाम पशु पक्षीणाम जीवनम एव संकटा पन्नम दृश्यते। बहुत सारे पशु पक्षियों का जीवन संकट में हो गया है जी। पशु पक्षी बहुत सारे पक्षियों की प्रजाति लुप्त होती जा रही है जी। उनके संरक्षण की जरूरत पड़ रही है, लेकिन अगर हम उनके आश्रित रहते, जो उन्हें हमारे जीवन से मिल रहा था उन्हें मिल रहा होता, परस्पर अगर एक दूसरे के साथ संबंध बना होता तो ये स्थिति शायद नहीं आती। तो उनका भी जीवन संकटापन्नम दृश्यते, संकट से आपन्न अर्थात तो संकट को प्राप्त दिख रहा है। यहाँ पत्रम अशुद्ध टंकित तो हो गया है, ठीक है। तो संकटापन्नम दृश्यते अर्थात संकट से युक्त दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। जैसे वेब तरंगे होती हैं, मोबाइल यंत्र की वेब तरंगे हैं, उन वेब तरंगों से कई ऐसे छोटे छोटे पतंगे होते हैं जो नष्ट हो जा रहे हैं, ऐसा कई अनुसंधान में सामने आया है। आगे हम देखते हैं, वनस्पति नाम अभाव दशायाम न केवलम वन्य प्राणी नाम अपितु अस्माकम समेशामेव जीवनम स्थातुम नैव शक्यते। वनस्पतियों के नष्ट होने के कारण जब जंगल नहीं होंगे तो वहाँ कई प्रकार की जो वनस्पतियाँ हैं वो नष्ट हो जाती हैं, तो उनके अभाव में, उनके नहीं रहने की स्थिति में केवल जो जंगल के प्राणी हैं, वन में निवास करने वाले जो वन्य प्राणी हैं, उनका भी जीवन नहीं रह पाएगा, क्योंकि जब जंगल नहीं होगा तो उसमें निवास करने वाले प्राणी कहाँ होंगे, अर्थात उनका भी जीवन नहीं रह पाएगा, वो भी नष्ट हो जाएंगे। पादपाः अस्मभ्यम न केवलम शुद्धम वायुम एव यक्षन्ति अपितु ते अस्माकं कृते जीवने उपयोगाय पत्राणि पुष्पाणि फलानि काष्ठानि औषधीन छायां च वितरन्ति। पादपाः अर्थात वृक्ष न केवल हमें शुद्ध वायु देते हैं अपितु हम लोगों के लिए
जीवन में उपयोग आने वाले जो पत्र हैं, पुष्प, फल और लकड़ियाँ, साथ साथ औषधियाँ जिनसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रख पाते हैं, और छाया, धूप में हम जाते हैं और उस समय वृक्षों की छाया में अपने आप को रिफ्रेश करते हैं, सुख की अनुभूति करते हैं, थकान दूर करते हैं। बिल्कुल। और जहाँ पेड़ ज़्यादा होते हैं वहाँ गर्मी का प्रभाव भी कम होता है, तापमान वहाँ गिरा हुआ होता है, तो इस प्रकार से ये हमें छाया भी देते हैं, अर्थात जीवन में बहुत ही उपयोगी ये वृक्ष हमारे लिए होते हैं। अस्माद् हेतोः अस्माकं कर्तव्यम् अस्ति यद् वयं वृक्षारोपणं तेषां संरक्षणं जलसुचिताकरणं ऊर्जायाः संरक्षणं उद्यान तडागादीनां शुचितापूर्वकं पर्यावरण संरक्षणार्थं प्रयत्नं कुर्याम। इसलिए अस्माद् हेतोः अर्थात इसलिए हमारा कर्तव्य है, अस्माकं कर्तव्यम् अस्ति, हमारा कर्तव्य है कि वयं, हम लोग वृक्षारोपण करें, पेड़ लगाएं, पेड़ लगाने के साथ साथ उनका संरक्षण करें और जल को शुद्ध रखने के लिए जो उपाय होते हैं वो भी हम प्रयास करें, जिससे जल गंदा ना हो, नदियां शुद्ध रह सकें, ऊर्जा का संरक्षण करें, उद्यान और तड़ाग आदि जो बाग बगीचे हैं, तालाब हैं, उनको शुद्ध रख सकें, उनकी शुचितापूर्वक पर्यावरण, उनको अगर शुद्ध रखेंगे तो पर्यावरण भी संरक्षित होगा। एतदर्थ उनके संरक्षणार्थ हमें प्रयत्न करना चाहिए, हम प्रयत्न करते रहें। अनेनैव अस्माकं सर्वेषां जीवनम अनामयम सुखावहञ्च भविष्यति। इसके द्वारा ही अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा संपूर्ण जीवन, और न केवल हमारा ही अपितु सबका, प्राणियों का, अर्थात पशु पक्षी, संसार में चराचर जितने भी प्राणी हैं उन सभी का जीवन अनामय अर्थात रोग रहित और सुखपूर्वक होगा, सभी सुखी हो करके जीवन यापन कर पाएंगे। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर पाए, पर्यावरण दूषित होता रहा, चाहे वह भौतिक पर्यावरण हो या मानसिक पर्यावरण हो, तो फिर हम सुखी नहीं रह पाएंगे। प्रकृति ही सर्वेषां संरक्षणाय यत्ते, हम ऐसा देखते हैं कि प्रकृति सबके संरक्षण के लिए यत्न करती है, सभी प्राणियों की रक्षा का जो उत्तरदायित्व है वह प्रकृति का है। इयम सर्वान् पुष्णाति, यह केवल मनुष्यों को पोषण देती है ऐसा नहीं है, वह सभी को देती है। जिस प्रकार से मनुष्य को सूर्य की ऊर्जा मिलती है और वह अपना उत्थान करता है, वैसे ही पशुओं को, पक्षियों को, पेड़ पौधे, सबको सूर्य की उतनी ही ऊर्जा मिलती है और सब अपने जीवन को उसी प्रकार से सुखपूर्वक जीते हैं। विविधई ही प्रकारई ही सुख साधनई ही तर्पयति, इयम इयम प्रकृति ही, यह प्रकृति सबको, संपूर्ण स्थावर जंगम हर प्रकार के प्राणियों को पुष्णाति अर्थात पोषित करती है और विविध प्रकार के सुख साधनों को देती है, सुख साधनों से तृप्त करती है। पृथ्वी अर्थात धरती, जलम, तेजः, वायुः, आकाशः च अस्याः प्रमुखानि तत्वानि सन्ति। ये पांच इसके प्रमुख तत्व हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इनसे मिलकर के ही हमारा पर्यावरण निर्मित हुआ है। तान्येव मिलित्वा पृथक्तया वा अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति, इन सभी को मिला करके हमारा एक भिन्न प्रकार का पर्यावरण निर्मित होता है, जिस पर्यावरण में हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ठीक है, इसकी व्युत्पत्ति यहाँ हम देख रहे हैं। आवृयते परितः समन्तात् लोकः, अर्थात इस लोक को समन्तात् सभी तरफ से, परितः का अर्थ है सभी तरफ, चारों तरफ से जो ढका हुआ है, जो ढकता है, आवृयते का अर्थ है ढकना, वह पर्यावरण है। इति पर्यावरण अर्थात जो चारों तरफ से संपूर्ण रूप से संसार को ढका हुआ है, अपने एक लेयर में रखा हुआ है, वह पर्यावरण है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि पर्यावरण का तात्पर्य हुआ कि आवृयते परितः समन्तात् अनेन इति, या लोकः अनेन इति पर्यावरणम्, जो संसार को चारों तरफ से ढक करके रखा हुआ है, अपने लेयर पे कई लेयर बना करके रखा है और अपने उस
आच्छादन में ढक करके रखता है, सुरक्षित रखता है, वह पर्यावरण होता है। ये चर्चा हमारी बाह्य भौतिक पर्यावरण की चर्चा हम कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं, यथा अजात शिशु मातृगर्भे सुरक्षित तिष्ठति तथैव मानव पर्यावरण कुक्षौ। जिस तरह से अजात शिशु अर्थात अजन्मा शिशु, जिस बालक का जन्म भी नहीं हुआ है वह अजात शिशु होता है, वह अजात शिशु माता के गर्भ में होता है और वह गर्भ गृह जो होता है उस गर्भ गृह में कई लेयर में ढका हुआ होता है, वह सुरक्षित रहता है जी। तो वह जिस प्रकार से अजात शिशु माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार से मानव भी पर्यावरण की कुक्षी में, पर्यावरण के गर्भ में सुरक्षित रहता है। पृथ्वी को इसीलिए माता भी कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी भी हमें जिस प्रकार से जन्म देने वाली माता अपने गर्भ में शिशु को सुरक्षित रखती है, कई लेयर में वह अंदर सुरक्षित रहता है, उसके ऊपर बाह्य कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी तरह हम भी पृथ्वी पर रहते हुए ऊपर कई लेयर से सुरक्षित रहते हैं। जैसे ओजोन परत का हमारे ऊपर संरक्षण होता है जिससे सूर्य की किरणों का दुष्प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता, इसी तरह उल्का पिंड कई होते हैं जो गिरते हैं, लेकिन पृथ्वी के ऊपर जो लेयर बने हुए हैं उनसे हम इतने सुरक्षित हैं कि उनका जो हानिकारक दुष्प्रभाव है वह हम पर नहीं पड़ पाता। इसलिए हमें यह देखने को मिलता है कि पृथ्वी को भी हम माता कहते हैं। क्यों? क्योंकि माता के समान ही वह हमें अपने गर्भ में रखी हुई है, हमारे जीवन को संरक्षित कर रही है। इसीलिए यहाँ पे पंक्ति जो हम पढ़ रहे थे उसमें ये देखा हमने कि मातृगर्भ में जिस तरह सुरक्षित हैं वैसे ही पर्यावरण की कुक्षी में भी हम सुरक्षित होते हैं। कुक्षी का अर्थ है गर्भ, ठीक है। परिष्कृतम प्रदूषण रहितम च पर्यावरणम अस्मभ्यम सांसारिक जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्रीं च प्रददाति। जो शुद्ध पर्यावरण है, दूषण रहित, जो दोष रहित पर्यावरण है, वह हमारे लिए सांसारिक सुख देता है, सद्विचार देते हैं, क्योंकि अगर हमारे खान पान की व्यवस्था जो होगी वो शुद्ध होगी तो फिर विचार भी हमारे सही होंगे। सत्य संकल्पम, जो दृढ़ निश्चय का सामर्थ्य है, वह भी हमारे पर्यावरण के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है। अगर हम किसी गंदे वातावरण में रह रहे हैं जहाँ प्रदूषण है, वायु दूषित है, तो खुद ही रोगी हो जाएगा शरीर और वह उत्साह से रहित हो जाएगा, वो प्रसन्न नहीं रह पाएगा, तो सत्य संकल्प की फिर बात ही करना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए यह पर्यावरण हमको सद्विचार, सत्य संकल्प और मांगलिक जो विचार हैं उनको देने के लिए उत्तरदायी होता है। इन्हीं से हम अपने कार्यों में संलग्न हो पाते हैं, क्योंकि स्वस्थ मस्तिष्क के अभाव में किसी भी कार्य का हो पाना संभव नहीं है, हो ही नहीं सकता है। आगे हम देखते हैं, मांगलिक सामग्रींच प्रददाति, अर्थात जो शुद्ध सामग्री है, शुद्ध खान पान की व्यवस्था है, वह भी हमें शुद्ध पर्यावरण से ही होती है। अगर शुद्ध पर्यावरण मिल जाए तो फिर जीवन में दवा, जो हम औषधियाँ अनेक लेते हैं, उसकी हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर हम अनाज शुद्ध खा रहे हैं, शुद्ध दूध पी रहे हैं, शुद्ध सब्जियां खा रहे हैं और शुद्ध वातावरण में रह रहे हैं, तो फिर हमें दवाइयों की और दुनिया भर के जो मेडिसिन हैं वो दूर हो जाएगी, नहीं होगी आवश्यकता। इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि पर्यावरण का सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है महत्वपूर्ण रोल है यहाँ। बिल्कुल, जी, पूरे जीवन के लिए। अगर जीव पर्यावरण है तो जीवन है, नहीं तो फिर जीवन नहीं, तो जीवन संभव नहीं। तो इस चीज को हमने देखा। आगे हम पढ़ते हैं, सद्विचारम प्रकृति कोपै ही आतंकितो जन किम कर्तुम प्रभवति। अगर प्रकृति के कोप से आतंकित है कोई दुखी प्राणी है, प्रकृति जैसे भूकंप आता है, जल का विस्तार होता है, सुनामी आ जाती है, भूकंप है, इस तरह से बहुत सारे प्रकृति प्रकोप है, सूखा पड़ जाना, बहुत अतिवृष्टि हो जाना, अनावृष्टि हो जाना, तो उसमें ये दे रहे, देखिए, अग जलपना प्लावनई ही, बहुत ज्यादा जल का विस्तार होना अर्थात सुनामी इत्यादि जैसी स्थिति होना, अग्नि भय ही, अग जंगल में आग लग जाती है, घर में आग लग जाती है, या बहुत ज्यादा गर्मी हो जाना, भूकंप ही, भूकंप के द्वारा, वात्याचक्र ही, वायु का जब प्रकोप होता है, बहुत ज़्यादा तूफान आता है, सब पेड़ टूट जाते हैं, घर गिर जाते हैं, उल्कापात होते हैं, तो इनसे अगर संतप्त प्राणी है, इनसे ग्रसित होगा व्यक्ति जी, तो इनसे ग्रस्त होने के बाद, इन सभी दुखों को प्राप्त होने के बाद
मानव का मंगल हो सकता है क्या? क्या मानव सुखी हो सकता है? कभी नहीं हो पाएगा। जी, मानव जीवन बचाने का मुझे लग रहा है यहाँ पर बिल्कुल चुनौती उत्पन्न हो गई है। और जो पर्यावरण की आप बात कर रहे हैं, पृथ्वी का जो तापमान लगातार बढ़ते जा रहा है वो एक चिंता का विषय है। पूरी दुनिया इस ओर प्रयास कर रही है कि सदी के आखिर तक पृथ्वी का जो बढ़ता तापमान है उसको 1.5 डिग्री तक उसको सीमित किया जाए। लेकिन यदि वैसा भी हुआ तो विज्ञान कहता है कि साउथ ईस्ट एशिया में पूरे इन भारत को मिलाकर लू के थपेड़े तब भी चलेंगे, अगर 1.5 डिग्री पर उसको रोक भी लिया तब भी। और अनेक जगह पर ऐसी स्थिति बन रही है कि पृथ्वी के अंदर जो गर्म लावा है वो फटने की संभावना होगी, ग्लेशियर खत्म होंगे, ये स्थिति बन रही है। तो हमें बहुत जरूरी है कि हम समय रहते चेत जाएं, नहीं तो उत्तरवर्ती पीढ़ी के लिए हानि होगी। हम लोग तो जैसे तैसे पार कर जाएंगे, उत्तरवर्ती पीढ़ी इसका दुष्परिणाम भोगेगी, उसको कष्ट हो सकता है। आगे हम पढ़ते हैं, इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम पर्यावरण के प्रति सचेत रहें। आगे अतएव अस्माभिः प्रकृतिः रक्षणीया, इसलिए हमें प्रकृति की रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। तेन च पर्यावरणम् रक्षितम् भवति, इससे पर्यावरण सुरक्षित होगा। और पर्यावरण सुरक्षित होगा तो हम सुरक्षित हैं, अन्यथा हम सुरक्षित नहीं हैं। प्राचीन काले लोकमंगल संशिनः ऋषयो वने निवसन्ति स्म। प्राचीन समय में हम देखते हैं ऋषि महर्षियों की आप कहीं भी फोटो देखेंगे तो जंगल में मिलेगी। वो पेड़ों के पास बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, कुटिया बनाए हुए हैं। किसी मशीन या कारखाने में काम करते ऋषि महर्षियों की फोटो कहीं नहीं मिलेगी। इसका कारण है कि वो प्रकृति प्रेमी थे, प्रकृति की पूजा करते थे। वो जानते थे कि प्रकृति की रक्षा करना अपनी रक्षा करना है, प्रकृति नष्ट करना अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना है। इसलिए लोक मंगल की आशा रखने वाले जो लोग ये चाहते थे पहले ऋषि महर्षि कि संसार सुखी रहे, उन लोगों ने अपना निवास स्थान वन में बनाया और वहीं वन में रहते हुए सारे कार्य अपने संपादित किए। पढ़ाने लिखाने का कार्य था वह भी जंगल में, और जो रिसर्च के अनुसंधान कार्य थे वो भी आरण्यकों में होते रहे। यतो ही वने सुरक्षितम पर्यावरणम उपलब्धते, वो वहाँ क्यों रहते थे? क्योंकि वन में सुरक्षित पर्यावरण होता है, अनुकूल पर्यावरण मिलता है। तत्र विविधाः विहगाः कलकूज स्रोत्र रसायनम ददति। तत्र अर्थात वने जंगल में विविधाः विहगाः अर्थात अनेक प्रकार के जो पक्षी हैं, विहग का अर्थ है पक्षी, उनके कलरों से उनकी जो ध्वनि है। आप कभी ऐसी जगह पर रहे जहाँ पर बहुत सारे पक्षी शाम को इकट्ठे होते हों या सुबह सुबह इकट्ठे होते हों, उनका जो कलरव होता है, अनेक प्रकार की आवाज़ें आती हैं वहाँ पे, ची चू जैसे जैसे वो बोलते रहते हैं, पशु पक्षियों की आवाज़ें, हाँ बहुत ही सुहानी होती है जी। आप मन करता है कि शांत से बैठकर उनकी आवाज़ को सुनते रहें और आँख बंद करके बैठे रहें, बहुत समय तक आप वहाँ पे सुखपूर्वक रह सकते हैं। एक आंतरिक सुख की अनुभूति होती है, ये केवल अनुभव किया जा सकता है, कह करके इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। उसको अनुभव करने वाला व्यक्ति होगा वही कर पाएगा। तो ऋषि महर्षि जो लोग होते थे वो ऋषियों की स्थिति ऐसे ही काननों में जंगल में हुआ करती थी। आगे हम देखते हैं। जी बिल्कुल, देखें क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 मिनट का ही समय है डॉक्टर। बिल्कुल प्रकाश जी, हमें हाँ इसके बाद हम पूरा कर ले करते हैं। करना है जी। सरितो गिर निर्झराश्च अमृत स्वादु निर्मलम जलम प्रयक्षन्ति। जो सरिता नदियां हैं, गिर निर्झराश्च गिरी पर्वत, निर्झर अर्थात झरने, ये अमृत स्वादु निर्मलम जलम प्रयक्षन्ति, हमें जो जल प्रदान करते हैं अमृत के समान स्वाद वाला जल, अमृत स्वादु निर्मलम शुद्ध जल। अमृत स्वादु क्यों कहा? इसका तात्पर्य है कि जो जंगल से या पहाड़ से निकलने वाली नदियां हैं और पर्वत के में जो अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, झरने होते हैं, झरने होते हैं, तो उनके वृक्षों की लताओं के रस से वो ओतप्रोत होते हैं। वो एक प्रकार की केवल जल नहीं होता, साधारण जल नहीं होता, अपितु वो औषधि युक्त जल होता है। आप कई बार सुने होंगे गंगा जल पिया और स्वस्थ हो गया जी। गंगा जल पी करके वो आरोग्य को प्राप्त कर गया जी। तो ऐसा कोई जादू क्या है उसमें, क्योंकि वो हिमालय से आते समय हाँ उसमें औषधीय तत्व आ जाते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयां हैं जो बहुत एक खजाना है भारत के पास हमेशा से। बिल्कुल बिल्कुल जी। आगे हम देखते हैं क्योंकि समय कम है जी। और समाप्त करेंगे इसी के बाद। वृक्षा लता फलानी पुष्पाणी ईंधन काष्ठानी च बाहुल्येन समुपहरन्ति। हम जंगल से क्या करते हैं तो वृक्ष उनकी लताएं, फल, पुष्प और ईंधन के लिए जलाने के लिए काष्ठ, ये सब प्राप्त करते हैं जंगल अगर हम संरक्षित करते हैं तो।
और बाहुल्य अर्थात बहुत ही अधिकता से हम वहाँ से ये सब ले आते हैं, समुपहरंती अर्थात ले आना। शीतल मंद सुगंध वन पवनाहा औषध कल्पम प्राणवायुम वितरंती। जो शीतल ठंडी ठंडी, मंद धीरे धीरे, सुगंध सुगंधित अर्थात अच्छी गंध से युक्त, जो वन की पवन है, जंगल का की वायु है, सुबह कभी आप संजय वन में या अन्य कहीं वन में घूमने जाएं तो इसका अनुभव हो सकता है। बिल्कुल होगा। तो औषध कल्पम अर्थात औषधि के समान प्राणवायु देते हैं, ये केवल वायु नहीं देते, ये हमें प्राणवायु प्रदान करते हैं, इनसे हमें प्राणवायु मिलती है जो हम अपने जीवन को सुखी रखने में, चला पाने में सहायक होते हैं। पाठ इससे भी और है लेकिन हम समय कम होने के कारण इसको यही रोकते हैं, लेकिन इससे जितना हमने पढ़ा इससे इसका महत्व हमें पता चल जाता है कि किस प्रकार से हमारा जीवन ही पर्यावरण के आश्रित है, अगर शुद्ध रहा तो, और अगर शुद्ध नहीं रहा तो हमारा जीवन का संकट भी पर्यावरण आश्रित हो जाएगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर वेद प्रकाश, आपने सही मायने में जो है पर्यावरण की सही तस्वीर यहाँ पर प्रस्तुत की, और कितना आवश्यक है ये इस पूरे सत्र के माध्यम से आप जान सकते हैं। ऐसे बाद में भी ज़रूर देखिएगा आप जब चाहें, ये YouTube पर अवेलेबल रहेगा। डॉक्टर वेद प्रकाश आप यहाँ पर आए, आपने अपना समय दिया और पर्यावरणम के बारे में हमें जो जानकारियाँ दी उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। आप सब हम लोगों के साथ यूँ ही जुड़े रहिए, हम अभी लौटेंगे और वेबिनार का सेशन लेकर हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए PM E Vidya Channels और NCERT का ऑफिशियल YouTube चैनल। नमस्कार।